स्वागत करते हैं क्या कूल है हम थ्री की कास्ट, तुषार कपूर, आफताब, जिजेल और कृष्णा। वेलकम सर। हट बे। अबे कोर्ट के बाहर खड़े सस्ते वकील। कृष्णा यार अपने लोगों को भूल गया, कृष्णा भारती। अबे फूला हुआ नींबू। अरे पिक्चर आ रहे ले अपने पिक्चर। क्या बात है। अरे तुम लोग सिर्फ पप्पिया लेते हो, पप्पिया ये देखो पप्पा, इसे पप्पा। ये लड़की वजह पिक्चर का बजट बढ़ गया मालूम है। कैसे? 3 करोड़ का बजट था, 4 करोड़ का तो लिप बाम खा गई है। ब्लू वाली वैलिटी वैन है ना जी। मुझे पता कैसे पता चला? कैसे? क्योंकि ना दरवाजा बंद करने के बाद भी आपके होंठ लटक रहे थे वहां पे। अरे भैया मैं आपको बताऊं, आज अगर गजल गायक जगजीत सिंह जी होते, वो फिल्म देखते इनकी, तो वो यही कहते, होंठों से छू लो तुम और हमें दबा के खत्म कर दो। अबे क्या कूल थ्री की बात कर बे येड़े। खैर एक बात मैं करूंगा, फिल्म इंडस्ट्री में गायब होना तो कोई तुषार से सीखे। क्या नहीं नहीं मेरी पूरी बात तो सुन लो, तुम आज मैं एंकर हूं, तू बीच में मत बोल, मैं थप्पड़ मार रहा वहीं आके। क्योंकि इनकी फिल्म आई थी गायब, जोरदार तालियां हो जाएं, द ग्रेट ग्रैंड मस्ती के लिए मेरी भी आ रही है। लेकिन कृष्णा कृष्णा यार ये तो चलो स्टार है, तू है ना अच्छी तरह फिल्म में, क्योंकि बाद में लोग ऐसे आते हैं, मेरी फिल्म आ रही है, बाद में ऐसे लोगों के बीच में एक ही सीन होता है, साहब आपका घोड़ा तैयार है बाहर। वो इसके जैसे लोग होते हैं। हमारे दोस्त कृष्णा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, और मुझे बड़ी खुशी है, आज मैं सच्ची बताऊं मुझे ये खुशी नहीं इसकी फिल्म आ रही है, मैं तो कहता हूँ फिल्मों में इतना हिट हो जाए, फिल्मों में चला जाए, ये शो मेरे को मिल जाए, सारा एंकर मैं ही करता रहूँ। मजाक तो अपनी जगह सर, फिल्म के बारे में बताइए, आप भूल तो गए होंगे। वैसे मेरे अक्षय जी ने कहा था कि वो कद्दू उगेंगे नहीं, आज आपको देख लग रहा है पूरा कद्दू उग गया। याद है ना सर? आप पहले बताओ सच्ची में कद्दू लगती हो? नहीं नहीं आप मतलब आज थोड़ा रंग रंग से सी होती है। हाँ, मुझे विटामिन सी का बहुत शौक है। सच? लड़का तेज हो गया, जोरदार तालियां। चलिए तुषार अपनी फिल्म के बारे में बताइए। हाँ हमारी फिल्म क्या कूल है हम थ्री, जिसमें हम चारों हैं, तो ना सिर्फ कृष्णा इस शो के मतलब बादशाह बन गए हैं, लेकिन हमारी फिल्म में तो एक बहुत बड़े डायरेक्टर ही बन गए हैं, जो हमें वैसी फिल्में करने पर मजबूर करता है। जी, आप भी बताइए ना कि कृष्णा ने वहाँ पे अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लड़कियों को चिपकता रहा। नहीं लड़कियों से चिपकता रहा और हमसे भी चिपकता रहा वैसे। हाँ और कई सारे ऐसे काम किए जो मैं इस शो पे बता नहीं सकता वैसे। ठीक है सर, तो क्या करें, शूटिंग की बैंकॉक में थी, हम क्या कर सकते हैं। मैं तो ये बातें सुन ही नहीं सकती। सुदेश जी यार मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तैयारी भी तो करनी है, कद्दू पसंद है लोगों को भैया। विटामिन सी कद्दू छील के खाने में पसंद है। छील के। ए चल रे यहाँ से भाग चल। अब सर ये आप जानते हैं ये सिंहासन बना है। ये बहुत खतरनाक सिंहासन लगा है। ओए अच्छा मैं ऐसे ऐसे नहीं चलना, तेरे जैसे बोलूं? हाँ बोलूं। मैं शांति से नहीं बोल सकता, चलो ठीक है। हाय सर, आप देख रहे हैं। एक मिनट। हाँ तुषार जी, ये जो हमारा संघर्षन बना है, इसमें हम किसी ना किसी को बिठाते हैं और उसकी बजाते हैं, जोरदार तालियां हैं। लेकिन ऐसा मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन ये ओवर एक्टिंग है, मैं अपनी एक्टिंग में बात करूँ। तुषार जी मैं चाहूँगा, आपको भी चाहूँगा, तीनों को, कृष्णा आप वहां पर बैठो, ये स्टार इधर बैठेंगे, स्ट्रगलर आज उधर बैठेंगे। इतना भी स्टाइल मार लो अंदर से, जो हालत खराब है ना अपनी। ये कुर्सी पे बैठने के बाद, क्योंकि जो कद्दू गया है
वो अच्छे अच्छे उनको दद्दू याद दिला देता है। एक मिनट, अभी तेरे को पता चलेगा दुनिया का, इंडिया का नहीं दुनिया का सुपरस्टार कॉमेडियन अब तेरी वाट लगाएगा, करण वाही। अब पता चला, बहुत बढ़िया। अब अंदर से डराइए, तो जोरदार तालियां हो जाए करण वाही के लिए और सुपरस्टार भारती के लिए। साला मुझे हाथ लगाता है, हाँ? आया बड़ा। दोस्तों क्या कभी आपने कुत्ते को ऊंट पे बैठे हुए देखा है? अरे मैं किसी और की बात करी, तुम क्यों खड़े हो गए? एक तो आदमी को पता ना हो ना कौन कुत्ता कौन ऊंट, अपने पे क्रेडिट ले लेते हैं। नहीं दोस्तों सच्ची कह रही हूँ, कभी आपने झींगुर देखा है? इसको कह रही हूँ। कृष्णा के लिए कुछ लेकर आई हूँ। कृष्णा, अरे वाह, हाँ ये मेरे लिए? हाँ, तेरी औकात के हिसाब से साले, जाके सोफे पे बैठते हैं। जैसी तेरी औकात है ना चटाई पे बैठ। आया बड़ा, मामा से कोट पैंट उधारा लेके हीरो बना हुआ देखो। एक मिनट, जिस भगवान को मानता है ना, जिस गुरु को मानता है, कसम खा के बता कि तेरी औकात है इस कुर्सी में बैठने की? अरे बड़े बड़े स्टारों के लिए बनाई है हमने। आया बड़ा, चल यार अपने दोस्त की फिल्म आ रही है, एक बार जोरदार तालियां कृष्णा के लिए। कोई तो हमारे में से आगे निकला। कृष्णा सच में यार फिल्म आ रही है इसकी, ये ले भाई पानी पी। थैंक यू भारती। फटाफट एक घूंट में पी ले यार, होता है अपने लोग आगे बढ़े तो सेवा करनी चाहिए। क्या बात है, कैसा लगा गौमूत्र? बेटा सोफे पे तू बैठा था, सोफा अपवित्र हो गया था, इसलिए मैंने सोचा गौमूत्र पिला दूं पवित्र हो जाए। कैसा था? खट्टा खट्टा। ओ माय गॉड द बिग स्टार्स। अब ताजी इतनी भी क्या बेचैनी, घुटने छिलवा के आ गए इधर से। हम तो आपका वेट कर ही रहे थे। सॉरी मैंने इन दोनों को देखा, आपके होठों से आपके मुंह का पता ही नहीं चला पता। लेकिन ये लड़की बहुत समझदार है, ठंड में भी चली जाती, इसको पता अपने होठ ओढ़ के सो जाएगी। नहीं नहीं अभी तो होठ लपेट के बैठी, अगर कहीं खोलती है तो रेड कार्पेट बन जाता है। लेकिन सच में यार मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ऐसा चैनल ने बोला था, कहते अभी बिग बॉस से आई ना तो बोलो दिल मत दुखाना। ए झिंगुर, ए चिलगोजे, क्या तेरी तो, हट इधर से। सॉरी वो पीछे दादा खड़े थे, दादा खड़े थे। कृष्णा तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा? अरे आज तो चांद तारे फाड़ेंगे। क्या ए तेरी माँ की हाँ? क्या कर रही है? ए भारती, नहीं नहीं, अरे एक मिनट, इस बार तेरे को बोला है बैठ यहाँ पे। भारती आराम से यार, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। नहीं यार जलन होती है ना हमसे, हमारा दोस्त आगे कैसे निकल गया? अरे क्या बात है यार, तुषार जी आए हैं, आफ्ताब आई है, जिसेल, हेलो हेलो, वेलकम वेलकम। हेलो हेलो हेलो। तुषार मैं यार आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपकी सारी कॉमेडी वाली फिल्में देखी है यार, मैंने आपकी क्या कूल है हम की सीरीज देखी, ढोल देखी, सारी गोलमाल सीरीज देखी। शोर इन द सिटी, एक मिनट
वो कॉमेडी फिल्म नहीं थी। अरे उस फिल्म में सबसे अच्छा काम इन्होंने किया था, लोग वो काम देख के कहते सडनली तुषार को क्या हो गया, अच्छी एक्टिंग करने लग गया। लेकिन एक मिनट तुषार जी, मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। आपने अनीता के साथ भी फिल्म की थी ना, मेरे इश्क की? दो फिल्में की थी। नहीं बता रहे, आपको चिढ़ाना चाहती थी आपके बुरे दिन। भारती ज्यादा बंगे मतलब यार, मैंने उनकी पता पहली फिल्म आई थी ना, मुझे कुछ कहना है, मुझे बहुत पसंद है। ऑडियंस ने बाहर में जाके कुछ नहीं कहा, चुप रहे दो दिन, कहते ऐसी फिल्में क्यों आ रही थी। यार मतलब आफ्ताब जी से देख, मतलब आफ्ताब सर मैं ना 10 साल से आपका ऑटोग्राफ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कहीं ना दिखते हैं ना मिलते हैं। अरे बड़े बड़े स्टार ऐसे ही होते हैं, बाकियों की तरह थोड़ी हर दूसरे दिन फिल्म आ गई। एक फिल्म करो फिर घर में बैठो 7 साल 8 साल। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी लास्ट फिल्म देखी तूने 1920 Evil Returns? ओ गॉड, कितनी डरावनी पिक्चर की थी सर आपने, मुझे इतना डर लगा, इतनी डरावनी पिक्चर, ऊपर से पूरा थिएटर खाली। मेरे को बड़ा डर लगा सच्ची। इनकी फिल्म आई थी ना जाने क्या होगा रामारे, इसमें आपका डबल रोल था। जाने होगा क्या? ऑडियंस ने डबल रोल लेके देखा, कहते हैं अरे भैया एक नहीं बर्दाश्त होता, दो दो जाने क्या होगा रामारे। आलू चाट देखी थी, क्या फिल्म थी? आलू चाट किसी ने नहीं देखी। क्यों? लोग कहते 5 रुपए की आलू चाट मिलती, 300 रुपए क्यों खर्चे हम थिएटर?